बिजली की दर तो बहुत बढ़ गई, बहुत भारी समस्या हुई लोगों की, खेत की बढ़ गई, गांव की भी बढ़ गई। बिजली के तार नहीं है, ये तार नहीं बदले गए, मीटर लगाने लग रहे। 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी है, 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी है। आमदनी क्या 50% बढ़ी किसान की, मजदूर की बढ़ी भाई? गन्ने का मान लिया, पेमेंट नहीं आ रहा। गन्ने की मांग नहीं है सरकार की मिलों की। गन्ने की जो पर्ची हमारी लिख रही थी जितनी आनी थी वो आई नहीं, तो जब वो है नहीं तो समय पे हमारा भुगतान होगा तो जब भी तो हम बिल का पेमेंट करेंगे। हर आदमी सोचे भाई तू दूसरे तीसरे महीने में साल भर का एकदम कर दिए या कर दिए, ऐसे हर महीने की तो तनख्वाह वाला तो लोग नहीं, ये सब किसान आदमी है, इनकी तो छठे महीने या साल भर में आमदनी आती है यार। 3 गुना बिल हो गया, 10-12 हजार रुपये तो साल भर का बिल गांव भर का, और 25 हजार रुपये खेत का। 1.5 बीघे का काश्तकार कहाँ तक पढ़ देगा उसे? अब से 5-7 साल पहले किसान जो है कोई भी बैंक से लोन नहीं लेता, और के जाने गांव में किसान है, हर किसान का क्रेडिट कार्ड बन गया। गांव वाले जाने अभी तो बनता होगा, तब उसके पास कुछ है नहीं। जो 10 बीघे किसान है उसके लिए तो उसकी आमदनी साल की बहुत थोड़ी है, और जो बड़ा किसान है 100-200 बीघे जमीन वाला, उसके लिए भी वही बिजली का बिल है और इसके लिए भी वही बिजली का बिल है, लेकिन उसकी आमदनी इसकी 20-30 गुना ज़्यादा है, लेकिन लागत जो आ रही वो दोनों की जो है लगभग अनुपात अगर हम देखें दोनों की आमदनी का और दोनों की लागत का, तो वो छोटे किसान को बढ़ती हुई लागत उसकी आर्थिक स्थिति को लगातार कमजोर करती जा रही। लागत कितनी बढ़ी महंगाई तो दवाइयों की पेस्टिसाइड की इतनी होगी, किसान की पूर्ति 500 रुपये क्विंटल से कम होती है, लेबर ज्यादा लगे, लेबर का भी खर्चा है। अगर आप 1 बीघा गन्ना बो, मैं पूरा हिसाब दे दूं आपको कार्ड का, 8,500-8,300 रुपये 1 बीघे पर खर्चा था, 1 हेक्टेयर पर 1.25 लाख रुपये खर्चा हो, और पैदावार होगी उसमें 2 लाख की, और प्लस लेबर लगा दो उसमें, और जो अपनी मजदूरी 100 रुपये रोज भी लगा किसान तो घाटे में पूरा। लेकिन यहाँ पर किसान आंदोलन पश्चिम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर कि आप गन्ने किसानों का जो आंदोलन था वो तो बड़ा मजबूत रहा था किसी ज़माने में। चौधरी टिकैत का, बाबा टिकैत का ही जो शुरू होता है आंदोलन, वो भी कहीं ना कहीं बिजली के ही आंदोलन से ही शुरू हुआ था। अब इस तरह से आंदोलन क्यों नहीं हो पा रहे हैं इन मुद्दों पर? ये हिंदू मुस्लिम जो बिड़ा दिया नहीं, यहाँ इन्होंने भाजपा उन्होंने इसके उसके नहीं हो रही। किसानों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा टिकैत के पास, किसान नेता मिश्रिया भी थे उनके पास कोई नहीं है, इसलिए किसान पिछड़ता जा रहा है, ये मेन कारण है। जो ये एक राजनीति का चला हुआ है धर्म और जाति के आधार पर, किसान यूनियन भी अब उससे अछूती नहीं रही, और वो असर उस पर साफ साफ दिखाई दे रहा कि उसके इतने टुकड़े हुए हैं। किसान मजदूर ने करी थी उम्मीद, किससे उम्मीद करी थी? सरकार से, हाँ। बीजेपी से, हाँ। मोदी से उम्मीद करी थी, लेकिन उन सबके विपरीत रहा सारा मामला। किसानों की आय तो दुगनी घट गई, और जो जो बढ़ाने की बात करें, और सरकार के प्रति तो बेहद गुस्सा है किसान का, इस गुस्से का तकाजा इन्हें 2019 में दिखाई देगा।